सो हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना। और मैं शिवानकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहाँ हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, श्री अभयानंद सर। ये वीडियो आपके लिए काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहने वाला है, तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, आप काफी सारी बातें सीख के जाएंगे और आपको काफी फायदा होगा अपने लाइफ में भी इसका। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंटीग्रेटिव लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से मैं स्वागत करता हूं एक ऐसे शख्सियत का जो किसी परिचय के मोहताज नहीं और ना ही उनका परिचय दो शब्दों में दे पाना संभव है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। स्वागत है बिहार के पूर्व डीजीपी, सुपर 30 कॉन्सेप्ट के फाउंडर, एजुकेशनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट श्री अभयानंद सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। तो चलिए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप एजुकेशन फील्ड से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आपने इस फील्ड में बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं, तो सर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस पे डिपेंडेंट है, लेकिन इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, पे पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं होती। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है, हम अपनी तरफ से क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि ये सिस्टम और इम्प्रूव हो सके? बहुत अर्ली स्टार्ट करना होगा। अर्ली का मतलब होता है क्लास 1-2 से, और जो बीज बोनी होगी बच्चों के दिमाग में, वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो ये कि वो अपनी बुद्धि से सोचेगा, उसको प्रश्न दिए जाएंगे और वो सोच करके उत्तर देगा। उसको सोचने में हम मदद कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को ट्रांसफर नहीं करेंगे। दिक्कत अभी हम लोगों के एजुकेशनल सिस्टम में है कि हर टीचर चाहता है कि उसका अपना ज्ञान जो उसके दिमाग के बक्से में बंद है, वो स्टूडेंट के दिमाग का जो बक्सा है उसमें ट्रांसफर हो जाए, और ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर होता नहीं है। नॉलेज क्रिएट होता है, अवेयरनेस क्रिएट होता है, थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट होता है, और वो उसके बच्चे के शिष्य के दिमाग के अंदर ही प्रक्रिया होगी। एक शिक्षक सिर्फ उस माहौल को क्रिएट कर सकता है, वो फिजिकली नॉलेज का ट्रांसफर नहीं होता। और हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि उसको बता बता करके ज्ञान वर्धन कराएं, ज्ञान सृजन नहीं करा पाते। मूल प्रॉब्लम यही है, चाहे जिस तरीके से हो, ज्ञान सृजन करना होगा और बच्चे को ही करना होगा। हम एज ए टीचर सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने जो भी बातें बताई, आपने बताया कि बेसिक क्लासेस पे और ध्यान देना जरूरी है, जो कि छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से एजुकेशन के साथ जोड़ना जरूरी है ताकि वो धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए एजुकेशन की तरफ। तो इसके साथ अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है आपसे सर कि जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और जो सक्षम नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की फी पे कर पाए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किस तरह से मोटिवेटेड रहना चाहिए और किस तरह से प्रयास करना चाहिए? कोचिंग की आवश्यकता इस व्यवस्था में इसलिए हो गई है क्योंकि बचपन से एक हम फ्रेम में आ गए हैं, एक स्कूल होगा, एक बिल्डिंग होगा, जिस बिल्डिंग में हम जाएंगे वहाँ क्लासेस डिफाइंड होंगे, उसमें घंटियाँ बजेंगी, टीचर क्लास में आएंगे, बोर्ड पर चौक लेके पढ़ाएंगे, लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडरलाइन, और फिर जो हमने अभी कहा ज्ञान को हम टीचर ज्ञान को उढ़ेल देंगे आपके दिमाग में,
और आप उस ज्ञान को लिए हुए अपनी कॉपी में लिखे हुए घर चले आइएगा। ये व्यवस्था जब तक चलेगी तब तक जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग का यही डर रहा है, वहाँ भी क्लासेस होते हैं, वहाँ घंटियाँ बजती हैं, 40-45 मिनट का एक क्लास होता है, जब डाउट हो जाएगा तो टीचर बोर्ड पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बच्चा भी कॉपी में उतार लेगा, फायदा कुछ होता नहीं है। तो ये प्रक्रिया जब तक बंद नहीं होगी तब तक कोचिंग की व्यवस्था चलती रहेगी, और लाभ कुछ ही बच्चों को होगा जो अपने आप स्ट्रगल करना सीख लेते हैं, या जो अपने आप में बहुत दिमाग वाले होते हैं तो उनको ज्यादा ऐसी भी नहीं जरूरत। शुरू से जो मैं आपके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, शुरू से ही क्लास वन से ही बच्चे को लगना चाहिए कि लर्निंग इज फन, लर्निंग तुम्हारा प्रोसेस है, तुमको हम परेशान करेंगे और तुम अपने आप सीख करके कुछ ना कुछ जवाब देते रहोगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमने एक टीचर के लिए एक डेफिनेशन अपना बनाया है जो मैं किसी दूसरे पर नहीं लागू करता हूँ एक्सेप्ट माई सेल्फ। वन हु नेवर गिव्स द राइट आंसर एंड कीप्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। जब भी बच्चे को लगने लगता है कि वो अब पकड़ लिया, इस चीज को समझ गया, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन इंजेक्ट कर देते हैं, इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल्ड कंफ्यूजन है, केओटिक नहीं करते हैं। वो कंफ्यूजन जब हो जाएगा तो फिर आगे सोचने लगेगा, एंड एवरी टाइम दैट ही फील्स कि वो आ गया एकदम समझ गया है, तो हम कंफ्यूजन इंजेक्ट करके छोड़ देते हैं सो दैट नेक्स्ट स्पेस में नेक्स्ट प्लेस में पहुंच जाए। थैंक यू सर, आपने जो ये बातें बताई पक्का हमारे व्यूअर्स उससे मोटिवेट हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखेंगे। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोविड की वजह से अभी सारे बच्चे घर में बंद हो गए हैं, जिसके कारण से उन्हें पहले जैसा एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जो कि उन्हें पहले कोचिंग कॉलेज या स्कूल में मिला करता था, जिसके कारण बस बच्चों को काफी मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख सके, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे तो इस कोविड के दौरान ऐसा लगा कि जो सिंसियर और तेज बच्चे थे उनको फायदा हुआ है, क्योंकि उन बरबस उनको अपने आप सोचना पड़ रहा है। वीडियोस जो मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे इंस्टीट्यूट के भी हैं और फ्री हैं, कुछ फ्री हैं कुछ फ्री नहीं भी हैं, लेकिन फ्री भी काफ़ी मिलते हैं। तो अगर जो बच्चे अच्छे हैं उन लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और उनका फायदा हुआ भी है, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो रियली सीख गए हैं सेल्फ पर आश्रित हों, और जो वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा ऊपर से अवतरित हो जाएगा और वो उनकी उंगली पकड़ाएगा और तब उनको कहेगा आप चलो बच्चे आओ बोर्ड पे सीखो, तो वो वेट करते रह जाएंगे, पता नहीं ये पेंडेमिक कब तक खत्म होगा। जो उसके लिए वेट नहीं किए हैं मार्केट से अवेलेबल फ्री मटेरियल लेके और अपने से ट्राई किए हैं उनको बहुत फायदा है। एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो टाइम वेस्ट होता था आने जाने में वो बच गया है, कभी गए तो टीचर अवेलेबल नहीं है तो आपका टाइम वेस्टेड हो गया, आपका अभी आप कहीं जा ही नहीं सकते, घर में बंद है तो पढ़िए, पढ़ने के अलावा क्या काम है। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस समय का यूज और भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तुम उसका इस्तेमाल करो और उसी के हेल्प से जितने भी टाइम है तुम्हारे पास उसको अपने स्टडी में तुम लगाओ और भी टाइम बच रहा है तुम्हारे पास ना आने का ना जाने का, इन सारी चीजों से तुम दूर हो अपने आप में हो तो अपने आप को उस चीज में इंडल्ज कर दो। तो इसके साथ अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलता जुलता ही क्वेश्चन है लेकिन स्पेसिफिक हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स जेईई नीट या यूपीएससी जैसे
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस तरह से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। तरीका एक ही है, चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो, क्लैट हो, जेई हो, कोई भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन का, प्रैक्टिस टेस्ट एंड डिस्कशन, ये तीन पिलर है। प्रैक्टिस तो कंटेंट को अगर समझना है तो जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना होगा, चैप्टर पढ़िए और चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स किया जाता है तो उसको आप देखिए और बनाइए, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। उसके बाद सिमुलेटेड कंडीशन में टेस्ट देना होगा। सिमुलेटेड का मतलब होता है कि जिस टाइम में, जैसे 2 से 5 अगर नीट होना है तो हम अपना टेस्ट 2 से 5 देंगे, अगर अराउंड 360 क्वेश्चंस है तो 360 क्वेश्चंस का ही पेपर होगा, एग्जैक्टली उसी फॉर्म का पेपर होगा, सेम कंडीशन होगा और हम अपने को मार्क करेंगे उसमें, फिर उसमें एनालाइज करेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की। वो सिर्फ गलती कंटेंट की नहीं होती है, उसमें आपके सोचने की होती है, आप जिस स्पीड पे करते हैं, कहाँ थक रहे हैं, आप कितनी देर के बाद थक जाते हैं, तो ये सब रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उससे आप अपने को निकालते हैं कि हमें गलतियां क्या हो रही हैं। फिर अगर कोई अच्छा कोच मिल जाए तो उसे डिस्कस कर लीजिए, या आपका कोई सीनियर हो उसे डिस्कस कीजिए, नहीं तो आप अपने भी सोचेंगे तो आपको आंसर अपना मिलेगा उसमें। देन ट्राई टू चेंज दिस स्ट्रैटेजी अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसमें जो गलतियां होती हैं वो तो आपको अपने बुक में जाके पुनः उस टॉपिक का वो पॉइंट पढ़ना होगा जिस पॉइंट पर आपने गलती की है। एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी को भी आपको मार्कआउट करना होगा कि हम, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर 3 घंटे की परीक्षा है तो आप वॉच कीजिए कि आपका माइंड का एक्टिविटी फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या रहता है। आपको पीक पर एक्टिविटी पहुंचाने में अगर आधा घंटा लग जाता है तो आप कहीं के नहीं। जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो विद इन अ मिनट उनका एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी पीक पर रहता है और उसको फ्लैट करके वो और 3 आवर्स का पूरा करके एट द एंड ऑफ 3 आवर्स दे विल ड्रॉप डेड मेंटली, वो एकदम फटीग्ड होकर के गिर जाएंगे। जब हमको समझाना होता है लोगों को तो हम कहते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट जो होता है वो 3 घंटे के बाद जब पेपर सबमिट करता है तो इतना फटीग्ड रहता है मेंटली कि उससे अगर तुरंत कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो याद नहीं होगा उसको, क्योंकि वो उसने 100% अपना उस एग्जाम को दे दिया है। अगर आपको अपना नाम याद रह जाता है 3 घंटे के बाद तो इसका मतलब आपने 100% नहीं दिया है, तो उसको आप किसके लिए बचा के ला रहे हैं। तो ये लेवल होना चाहिए, गिविंग इनटू दी पोरिंग योर मेंटल एनर्जी इनटू योर टेस्ट, 3 आवर्स में 100% अपना निकाल के रखती है। तो ये सब, ये हुआ टेस्ट का, और टेस्ट के बाद जो आप डिस्कशन कीजिएगा वो अपने आप से होता है, अपने पीयर ग्रुप में होता है, आपके अगर कोच हैं तो उनके साथ होगा, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का डिस्कशन, जो आपसे नहीं बना उसका डिस्कशन। तो ये 3 ही पिलर हैं इसके और ये लगातार किया जाता है, लगातार इतनी बार। इसको मैं कहता हूँ यू शुड गेट एनेस्थेटाइज, अगर आप, जैसे होता है ना कि मेरा ऑपरेशन होना है तो हमको पता ही नहीं चला, एनेस्थीसिया पड़ गया और हमको पता ही नहीं चला कि कब पेन हुआ और कब ऑपरेशन होगा कि निकल गया। 2-3 आवर्स जो हम देते हैं एग्जाम में, नीट हो या IIT यही हो, वो एक ऑपरेशन के समान है, वेयर यू हैव टू बी कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज, पेन पता ही नहीं चला। इस लेवल का टेस्ट होना चाहिए आप, ये 2-4 टेस्ट देने से नहीं है। सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीजों को बताया कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जेईई नीट या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इन बातों को फॉलो करें और इंप्लीमेंट करें, इससे पक्का आपको एक बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा।
इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विलेज जैसे गांव से आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम या लोकल लैंग्वेज से पढ़े होते हैं, तो और जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी के लिए, या फिर जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ पे हर चीज इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, तो उन्हें उसको समझने में दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत का सामना करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह से इसे डील करें? भाषा अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन जितना मैंने देखा है बिहार में इवन बेस्ट ऑफ कोचेस वो टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश का ही यूज करते हैं, कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो हिंदी में भी वर्ड को, जैसे एक्सेलरेशन है, तो मुझे लगता है कि हर गांव का भी लड़का एक्सेलरेशन समझ लेता, त्वरण बोलने से हमें नहीं लगता कि कोई बहुत फायदा है, लेकिन जब डिस्कशन करते हैं कॉन्सेप्ट्स का फिजिक्स में या मैथ्स में तो सभी कोचेज हिंदी में ही कर लेते हैं। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि अंग्रेजी नहीं जानने से बहुत बड़ी समस्या होती है। एक जगह प्रॉब्लम आता है, हमने डिस्कस करके देखा है बच्चों से, फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा लंबे होते हैं, उसमें डायग्राम्स होता है और शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो स्टार्ट जहाँ से करते हैं और जब एंड तक आते हैं तब तक भूलने लगते हैं कि ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है। मैथ्स में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैथ्स बहुत सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो मैथ्स में छोटा सा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बट फिजिक्स में तो डेफिनेटली लंबा होता है। तो प्रॉब्लम उनको वहीं आता है कि जब वो एक पेपर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे और बाय द टाइम वो एंड तक पहुँचते हैं तब तक ऊपर में क्या क्या वर्ड लिखा हुआ था वो भूल जाते हैं। इन क्लास में जब डिस्कशन होता है तो हमने देखा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरे स्टाइल में हमने जो हिंदी में डिस्कस कर देते हैं कोई कोई सेंटेंस जो बहुत सटीक होता है और वो पावरफुल सेंटेंस होता है फिजिक्स का, उसको हम इंग्लिश में बोलते भी हैं और बोर्ड पर लिख भी लेते हैं, बिकॉज दोज आर सेंटेंसेस जिसमें पूरा फिजिक्स निहित हो जाता है, वो अगर एक सेंटेंस आपको जानना ही हो तो जान लेना। यानी कि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं आने वाला है, बस ट्राई करते रहना है और धीरे धीरे उसको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तो इसके साथ तुम फिर लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है उससे इजिली डील कर पाओगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि आप फ्री एजुकेशन के फील्ड में बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, आपने सुपर 30 के इनिशिएटिव से ना जाने कितने बच्चों को IIT जैसे जो देश के बड़े संस्थान है वहां तक पहुंचाया है, तो जो लोग फ्री एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहते हैं वो चाहे हम ही क्यों ना हो, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए और बीच में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको कैसे दूर करनी चाहिए और डीमोटिवेशन से कैसे बचे और फ्री एजुकेशन में हम क्या फ्री एजुकेशन के लिए हम अपनी तरफ से किस तरह से प्रयास कर सकते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था 2002 में तो मेरे पास कोई रोड मैप तो था नहीं, मुझे नहीं पता था। आप आज 2021 में आप हमको देख रहे हैं और तब आपको लगता होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी, आज भी नहीं है मेरे पास कोई, मैंने प्लान बनाया था आज भी नहीं है मेरे पास कोई प्लान नहीं, और न केवल एजुकेशन के फील्ड में, इवन पुलिसिंग के फील्ड में जो मेरा अपना प्रोफेशन था जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलता था। तो मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है कि अगर बहुत बड़ा प्लान बना के चलोगे तो कहीं नहीं, एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे ये करना है और नियत साफ होनी चाहिए। तो मैंने देखा है कि ईश्वर ऊपर से आपको रास्ता दिखाता चलता है और आप निकलते जाते हैं, लेकिन जहां मैंने देखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना 100 पन्ने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसमें डिटेल्स हैं कि यहाँ पर अब ये हो जाएगा वहां पर वैसे आएगा और बन जाएगा, तो हम निश्चिंत रहते हैं कि ये होने वाला नहीं। आपको जो अगर करना है
तो आप 5 बच्चों को लेकर के स्टार्ट कीजिए पढ़ाना। हमने 30 को लेकर स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो हमने 2 के साथ किया था, मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते लगा कि अच्छा चलो ये लोग जो आईटी चले गए तो हम कुछ शुरू करते हैं। लोग मिल गए, 25-30 बच्चे मिलते गए, और धीरे धीरे जब सफलता मिलने लगती है तो अपने आप उसका डंका बजने लगता है। वही है कि आप बहुत चिंता मत कीजिए कि अब हम क्या करें, इनको जोड़ें कि उनको जोड़ें। आपके पास जो इल्म है उसको लेके आप आगे बढ़िए, और अगर आप नियत आपकी साफ होगी, रिजल्ट मिलेगा। ऑनेस्टली, झूठ बोल करके नहीं होगा। ऑनेस्टली अगर 5 में 2 ही बच्चों का हुआ तो ठीक है, 2 ही बच्चों का, उससे आपको समझ में आएगा कि हमने, हमारे जो टीम थे वो नहीं हुए तो क्या गलती। और आप थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्लान मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्लान करने से नहीं। थैंक यू सर, आपकी बातों से हमें काफी मोटिवेशन मिला, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उन्हें भी काफी मोटिवेशन मिला होगा। और हम अपने एंड से पूरा ट्राई करेंगे हम सारी बातों को इम्प्लीमेंट करें और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखें। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है और देश को इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि ये देश के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू की बात की जाए तो इसमें बच्चों के जीवन से खेल कूद, जो कि एक आवश्यक भूमिका निभाता है उनके फिजिकल ग्रोथ में, उसे खत्म सा कर दिया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? व्यायाम तो एक यंग लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, वो अगर घट रहा है तो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन डिजिटलाइजेशन बाय इटसेल्फ उसमें कोई खराबी नहीं है। हमें जो भी सूचना चाहिए होती है वो बहुत फास्ट मिल जाती है, जो प्रॉब्लम हमारा सोल्यूशन चाहिए वो भी फास्ट मिल जाता है। तो बाय इटसेल्फ डिजिटलाइजेशन में फॉल्ट नहीं, अगर हम उसका मिसयूज करना चाहेंगे तो फॉल्ट है उसमें। तो आई डोंट थिंक डिजिटलाइजेशन इज बैड इन इटसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर ये नहीं आता तो दुनिया नहीं चलती, वो भी वैसी चीज भी नहीं। लेकिन अगर इस कारण से व्यायाम घट रहा है तो वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बीमारियों का जड़ होगा अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया इस एज। तो एक गार्जियन का रोल तो हमेशा से ही रहा है, बच्चे डाइवर्टेड नहीं हो ये तो उनको देखना पड़ता है। तो आज को भी, आज के डेट में भी पेरेंट्स का ये रोल है कि वो वॉच करें कि बच्चे क्या देख रहे हैं। जो उनको साइट्स हैं, गलत साइट्स हैं, वो किसी तरह से डिसेबल करें, तो उसकी भी व्यवस्था आ गई है। बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर आपसे कि सर आप हमारे देश के युवाओं से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन्हें अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन का यूज कैसे करना चाहिए? वो अगर एजुकेटेड हो रहे हैं, वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन का रोल वो किस तरह से कर सकते हैं अपने कंट्री और अपने सोसाइटी के? हमने आपके शुरू के क्वेश्चन के उत्तर में ही कहा था कि हमारे यहाँ एजुकेशन पे ज्यादा जोर है नो हाउ, मतलब ये चीज है, टेक्नोलॉजी है, इसको तुम ले लो। अब जोर होना चाहिए था एक्चुअली नो वाई पर। नो हाउ आफ्टर ऑल किसी ने बनाया होगा आपको। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर आप चलाना जानते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कंप्यूटर से ऑपरेट कर लेते हैं कीबोर्ड पर, नथिंग बिग एंड ग्रेट अबाउट इट। आप सोचिए उस व्यक्ति का जिसने कंप्यूटर नहीं देखा था और उसने अपने दिमाग में कंप्यूटर को विजुअलाइज किया था, वो बड़ा है या आप बड़े हैं जो सिर्फ उस पर कुछ, आप एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ ऑपरेट कर लेते हैं। उस व्यक्ति का दिमाग सोचिए जिसने नो वाई क्रिएट किया था इसका, और हम उसके वाई के बाद हाउ को लेकर के बैठ गए हैं।
तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम नो हाउ पर है, ये वाला सॉफ्टवेयर देख लो, इसको पकड़ लो, इसका बहुत यूज होगा, 2 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो आपका पूरा नॉलेज उसके साथ चला गया और आप किसी काम के नहीं रहे। कोई आज चल रहा है कि रोबोटिक्स करा दो, हो सकता है कल 2 साल के बाद ये रोबोटिक्स रहे ही नहीं, कोई दूसरी चीज बन जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आगे कैसे हम बढ़े, उसका इल्म तो आपको आएगा बेसिक साइंस से। जब आप क्वेश्चन करने लगे कि ऐसे ही क्यों हो गया, ये सॉफ्टवेयर बना तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, वो लॉजिक हम जानते नहीं है। आजकल थोड़ा तकलीफ भी होती है, जेई के प्रिपरेशन में लोग ट्रिक्स बताते रहते हैं। ट्रिक्स तभी अच्छा लगता है जब आप उसका लॉजिक पूरा जानते हो, तो ट्रिक अच्छा लगता है। लेकिन आप ट्रिक से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर देंगे, ट्रिक अप्लाई नहीं करेगा और आप फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि आपको लॉजिक ही नहीं पता। तो सर ने जितने भी अपने अभी तक क्वेश्चन पूछे, सर ने यही बात बताई कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और शायद उसी सोच को लेते हुए हमने जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए थे सर से, उसके आंसर्स हमें मिले। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि शुरुआत से सारी चीजों को सही करने की जरूरत है, जब तक शुरू से चीजें सही नहीं होती हैं, बाद में जाके चीजों को सही करना बहुत ही मुश्किल होता है। सर आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारे चैनल को दिया, आपने हमारे व्यूअर्स को जो भी टाइम दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जितनी बात हमने कही उसका सारांश एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, जो मैंने फीस फेस किया था। एक स्कूल में मैं गया था क्लास 3-4 के बच्चों से बात करने के लिए, अच्छा स्कूल था, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल था, और वहाँ हमने बच्चे बहुत प्रिपेयर्ड होकर आए थे, टीचर्स भी थे। हमने बोर्ड पर लिखा 1/2 + 1/3। बोर्ड पर एक बच्चा आया बहुत स्मार्टली और एकदम एलसीएम निकाला, उसके बाद जो प्रोसेस होता है करके उसने आंसर हमको बता दिया। तो इसमें हमने पूछा कि आपने एलसीएम क्यों निकाला इसको ऐड करने के लिए, अगर कुछ निकालना ही था तो एचसीएफ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ लोग ऑलमोस्ट एक ही साथ पढ़ते हैं। और एकदम बिल्कुल ब्लैंक, द एंटायर हॉल वाज ब्लैंक, इवन क्लास 4 के स्टूडेंट, टीचर्स भी परेशान थे कि इसका क्या उत्तर होगा, क्यों बनाया, एलसीएम क्यों निकाला, 2 और 3 जोड़ने में एलसीएम नहीं निकाले, इसमें 1/2 + 1/3 में एलसीएम निकाल रहा है। और फाइनली जब हमने डिस्कस करके उनको समझाया तो इट वॉज लाइक रेवल्यूशन। जो टीचर्स है वो भी, अच्छा सर ये तो हम लोग बताते हैं कि एलसीएम निकालो और गुना करो भाग करो, ये इशू है। और हमने एक, मेरा एक रिलेटिव है वो यूएस से आया था, उसकी बेटी, उसका बेटा वहाँ क्लास 4 में था, वो बता रहा था, वो भी आईआईटी से ही ग्रेजुएट करने गया था, वो बता रहा था कि वहाँ एलसीएम एचसीएफ नाम ही नहीं बताते हैं, वो प्रॉब्लम दे देंगे और कहेंगे तुम सोचो कैसे बनेगा, और फाइनली डिस्कस करके बच्चे बनाते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक 1 after the other प्रॉब्लम्स करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए वहां नहीं सिखाया जाता है, न एलसीएम वर्ड बताया जाता है, और फाइनली वो डिस्कवर करता है कि अच्छा ये जो प्रोसेस हम करते हैं यही एलसीएम, हमारा प्रोसेस ठीक उल्टा, हम पहले लिख देंगे बोर्ड पर एलसीएम, आज हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे कैसे निकाला जाता है, अरे पहले होता क्या ये तो समझना है, कैसे निकाला जाता है पहले ही बता दो, है क्या, क्या मकसद है इसका, नहीं पता। यही आपको हमने एक एग्जांपल के थ्रू सोचा कि आपके चैनल में बताएं क्या हमें। थैंक यू सर। मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी, और जो लोग एजुकेशन के फील्ड में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, वो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एजुकेशन सिस्टम को सही करने की ओर काम कर सके। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं,
और जाने से पहले सर क्या सर का एक बार फिर से इंटीग्रेटिव लर्निंग की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग आगे भी इसी तरह के इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।